दोस्तों यार, तो आज की इस वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपका वेबसाइट स्लो है तो उस पर ट्रैफिक आएगा कि नहीं आएगा। बहुत से लोगों को परेशान कर रहे थे कि यार आपका वेबसाइट अगर स्लो है तो उस पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं आएगा, आपका वेबसाइट रैंक ही नहीं होगा। तो यार उसी के ऊपर है कि क्या अगर आपका वेबसाइट स्लो है तो वो रैंक करेगा, उस पर ट्रैफिक आएगा कि नहीं आएगा, उसी के ऊपर है। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर वेबसाइट आपका स्लो है तो उसके रैंकिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका वेबसाइट रैंक नहीं करता है। अगर आपका वेबसाइट बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है, तो यार वो कितना भी स्लो रहे, एकदम स्लोएस्ट रहे, लेकिन वो रैंक करेगा, उस पर ट्रैफिक आता है। तो यार आपके सामने ही है, आप देख सकते हो, ये सरकारीresult.com, ये बहुत फेमस वेबसाइट है इंडिया में। यार देखो, इसको मैंने जीटी मैट्रिक्स में टेस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो, इसका ग्रेड डी है, परफॉर्मेंस 56% है, स्ट्रक्चर 73% है, एलसीपी 2 सेकंड है, टोटल ब्लॉगिंग टाइम 1.2 सेकंड है, आप देख सकते हो। कम्युलेटिव लेआउट स्ट्रिप सही है, लेकिन और सब कुछ इसका बहुत पुअर है वेबसाइट, आप देख सकते हो। रिड्यूस इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, कितना स्लो है इसका। फिर उसके बाद अवॉइड लॉन्ग मेन थ्रेड टास्क, ये भी बहुत ज्यादा है, मिड हाई इस पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यार कितना स्लो वेबसाइट है। देखो देखो, ये पूरा परफॉर्मेंस है इसका। और इस वेबसाइट को, जैसे कि अगर जिसको नहीं पता होगा, तो यार इस वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, मैं आपको खुद अभी दिखा दे रहा हूँ। सिमिलर वेब मैं खोल लूँ, ये जीटी मैट्रिक्स गलती से खुल गया, सिमिलर वेब मैं खोल लेता हूँ। अब देखो यार, आप देखो, मैं आपको अभी एनालाइज करके भी दिखा दे रहा हूँ कि इस वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है। आप देखो, आपके सामने है, ग्लोबल रैंक इसका 705 है, कंट्री रैंक 51 है, और कैटेगरी रैंक तो 1 है, और इसके साथ साथ ही आप देख सकते हो यार 87.5 मिलियन ट्रैफिक है। देख लो आप, बाउंस रेट 35% है, पेजेस पर विजिट मोटा मोटा 3% है, एवरेज ड्यूरेशन 5 मिनट का है। सोचो, ये वेबसाइट है, और इसका परफॉर्मेंस कितना है, ग्रेड डी है, देख लो आप, आपके सामने ही है, कुछ भी ये एडिटेड वेडिटेड नहीं है। मैं आपको चाहे तो इसको रीटेस्ट भी करके दिखा दूं, थोड़ा वीडियो स्किप करूंगा अब मैं, क्योंकि ये टाइम लेगा। तो देखो यार, हमारा रिजल्ट लोड हो गया है, आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे इसका ग्रेड फिर से डी आया है। आप देख सकते हैं कितनी स्लो वेबसाइट है आपने, लेकिन इसका ट्रैफिक देख लिया, 87.5 मिलियन, 87.5 मिलियन बहुत होता है ट्रैफिक, इससे काफी अच्छी कमाई हो जाती है, बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। ये देख लो आप, इसका ग्रेड डी है। तो यार वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है, अगर आपका बहुत फेमस वेबसाइट है, अच्छा वेबसाइट है, लोगों को पसंद है आपका वेबसाइट, तो नहीं मैटर करता है कि आपकी वेबसाइट का स्पीड कैसा है, वो रैंक करेगा ही, उस पर ट्रैफिक आएगा ही, डजेंट मैटर आपका वेबसाइट कितना भी स्लो हो। उसके साथ साथ ही अगर आपका वेबसाइट नया, आप अगर शुरू करो ब्लॉगिंग, तो आप कोशिश करो कि अपनी वेबसाइट को थोड़ा फास्ट रखो। वेबसाइट को फास्ट रखना है अगर आपको, तो आप कैशिंग प्लगिंग का कॉन्फ़िगरेशन ढंग से करो। अगर आपको नहीं पता है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, तो आपका आपको लाइट स्पीड कैश का मेरा वीडियो मिल जाएगा, मैंने उस पर पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स बताया हुआ है लाइट स्पीड कैश का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। उसके साथ साथ ही अगर आपको अपनी वेबसाइट को फास्ट करना है, तो आपको कम से कम प्लगइन यूज करने हैं, और थोड़े जो हैवी थीम्स होते हैं उनको अवॉइड करना, यूज करना, आप लाइट वेट थीम यूज करो, केडेंस यूज करो, एस्ट्रा यूज करो, ओशन WP यूज करो, जनरेट प्रेस यूज करो, आप अच्छे प्लगइन यूज, अगर अच्छे थीम यूज करोगे, तो आपका वेबसाइट फास्ट रहेगा, वो स्लो नहीं होगा, उसका परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगा। उसके साथ साथ ही आप अगर अनयूज प्लगइन या थीम्स है आपके वेबसाइट पे, तो उसको आप डिलीट कर दो, अपने वेबसाइट से हटा दो उन सब प्लगइन्स, क्योंकि वो आपके वेबसाइट को अल्टीमेटली स्लो करेंगे। तो यार बस इस वीडियो में यही था वेबसाइट के स्पीड के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको करेक्ट ही इन्फॉर्मेशन मिले वेबसाइट डेवलपमेंट और ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग। थैंक यू।